हेलो फ्रेंड्स, कमेंट में चैनल दिस इज वासी। चलिए देखते हैं कल मार्केट काउंट अप कर सकता है, कौन सा स्टॉक ट्रेड कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आज अगर हम लोग मार्केट देखेंगे, कल डिस्कशन किए थे ये स्विंग से लेकर ये स्विंग, ये दोनों के बीच में मार्केट रह सकता है क्योंकि मिडिल में कहीं पर क्लोज हुआ है तो दोनों साइड इसको इशू होगा ब्रेक करने के लिए। पहले 15 मिनट में कैंडल में अगर यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना देता है तो हम लोग का रेंज इस तरीके से प्लान होना चाहिए था। अगर यहाँ पे नेगेटिव बनाता है तो हम लोग का स्मॉलर रेंज प्लान होना चाहिए था नीचे की तरफ, लेकिन ये ओवरऑल ये रेंज था। इधर लोग ये स्विंग हो गया, ये स्विंग में सेल किए होंगे, नो डाउट यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा मिला होगा कॉल के साइड, लेकिन पुट के साइड नो डाउट यहाँ पे एसएल या कॉस्टिंग में आप लोगों ने निकाला होगा। लेकिन एक लाइन आप लोग बार बार मेरे से सुनते होंगे कि मैं 80% प्रीमियम जब डीके हो जाता है मैं निकाल देता हूँ। इसके पीछे का रीजन और ये क्यों मैं करता हूँ आज लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि 35,000 का कॉल आप लोगों ने देखा होगा एक रुपए से लेकर या फिर 0.80 पैसे से लेकर 120-30 ये ट्रैवल करके आया है। इट्स ए पेनफुल, हो सकता है कि नहीं ये 35,100 के आसपास अगर क्लोज कर देता, जितने लोग 10-15-20 या जीरो होने के लिए छोड़ देते हैं या फिर 80% प्रीमियम। मैं ये क्यों बोलता हूं 80%, क्योंकि ये मेरे सामने देखा हुआ है। 100 दिन अच्छा प्रॉफिट चलेगा, लेकिन एक दिन में आपका 50-60, मतलब आप सोच रहे होंगे ने 5 रुपये है अभी कहाँ जाएगा, लेकिन 5 का 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये साल में एक या दो बार ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ये आजकल थोड़ा सा फ्रीक्वेंट होने लगा है क्योंकि 3 o'clock के बाद आप मोमेंटम देख रहे हो, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आज ट्रेडर ये सारे आप धीरे धीरे सेंस करोगे। एक काम करूंगा आने वाले टाइम में या फिर ट्राई करूंगा कल के दिन, बहुत सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व किया हूँ मार्केट के अंदर, दिस इज द वन ऑफ देम। जैसे 80% में मैं निकाल देता हूँ, आज आपको आंसर मिल गया होगा। ऐसे 2-3 पॉइंट और मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके ऊपर इन डिटेल्स में आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। इतने लोग ऑप्शन सेलिंग या बाइंग भी करते हैं, उन लोगों को हेल्पफुल डेफिनेटली होने वाला है। अभी अगर हम लोग देखेंगे मार्केट समय अराउंड लोअर रेंज के आसपास क्लोज दिया है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चल के आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। दैट मीन्स कल अगर इसको नीचे जाना है तो कल ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। अगर कल यहाँ पे होल्ड कर गया तो ये ट्रेंड लाइन और थोड़ा सा नैरो हो जाएगा और यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट है, कंटिन्यूसली इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कल मार्केट को इसी लेवल पे होवर नहीं करना चाहिए, कल ब्रेकडाउन होकर निकल जाना चाहिए। अगर कल मार्केट नीचे निकल जाता है 34,750, 500, 34,000 इसी लेवल के आसपास आ जाता है, फिर हम लोग इसमें सेलिंग में बने रह सकते हैं या फिर लास्ट स्विंग में आप कॉल शॉर्ट करके रख सकते हो। अभी अगर हम लोग देखेंगे कल एग्जैक्टली कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, अगर हम लोग देखेंगे लास्ट में मैक्सिमम टच पॉइंट समय अराउंड 34,880 या 90 के आसपास हुआ होगा, तो हम लोग 34,860 या 70 के नीचे अगर ये आना स्टार्ट करता है, हम लोग कुछ क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। 100 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 मिनिमम टारगेट रहेगा। कल का अगर क्लोजिंग नीचे दे देता है 34,500 या इसके नीचे देता है, फिर हम लोग को एक अच्छा सेलिंग प्रेशर मिल जाएगा। लेकिन कल मार्केट अगर वोलेटाइल होकर इसी रेंज में बना रहा 35,000 इसी लेवल के आसपास, तो फिर ये ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है और नीचे सेलर तो ट्राई कर रहे हैं लेकिन ये नैरो रेंज बन के आ रहा है, फिर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे सकता है। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखो, चार्ट पैटर्न थोड़ा सिंक होते आ रहा है, अभी इसको ब्रेकडाउन करना चाहिए। अगर होल्ड कर जाता है इट्स फॉर बाइंग, अगर ये कंटिन्यूसली आना है तो कल इसको आ जाएगा, तो हम लोग 34,860 या 70 के बाद प्लान कर सकते हैं। निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे एक चैनल के अंदर ये फंसा हुआ है कंटिन्यूसली, 16,500 एक रेंज है और अपर साइड 16,800 ये एक रेजिस्टेंस है। तो अभी अगर इसको ब्रेकडाउन करना है सिमिलर तरीके से, अगर ऊपर जाता है तो फिर रेजिस्टेंस है, तो मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कल ये लोअर लेवल के आसपास क्लोज दिया है, कल किस तरीके से ट्रेड करता है 16,480 के नीचे, अगर ये 16,480 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है 50,000 रुपया स्टॉप लॉस डाल के हम लोग प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट 16,300 के आसपास होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है, यहाँ से गैप आपको दिख रहा होगा, गैप क्रिएट हुआ है तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, फिर से 16,400 लेवल ये रिटेस्ट कर सकता है। तो 1:2 मिनिमम टारगेट होना चाहिए। कल अगर मार्केट 100, 200, 300 पॉइंट ऊपर भी चला जाए हम लोग थोड़ा सा ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट बार बार ऊपर जाने के बाद भी अपर लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है, वी जस्ट नीड ए प्राइस एक्शन। कल इधर मार्केट होल्ड कर जाए, जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी हम लोग बात कर रहे थे, होल्ड कर जाए या फिर ब्रेकडाउन हो जाए, तो दोनों ही केस में हम लोग को थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाएगा मार्केट कौन से साइड मूव कर सकता है। पहला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर, अगर आप लोग देखोगे 685 के नीचे एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, कंटिन्यूसली इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, हम लोग बाइंग के लिए भी एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन ब्रेकआउट इसने दिया नहीं और इसी रेंज के आसपास ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो गया ट्रेड कर रहा है। चांसेस आर वेरी हाई, अगर ये कोई भी साइड जाता है तो एक मोमेंटम हो सकता है, तो 685 के नीचे हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं, 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक, ये सारे सपोर्ट से सपोर्ट के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। कल अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो दिस कैन बी ए स्टॉक, हम लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये सारे लेवल मल्टीपल टाइम ट्रेड हो चुके हैं तो अगर यहाँ से कंटिन्यू होता है तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आ सकता है। 697 हो गया, 96 हो गया, अगर ये लेवल आता है तो हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है ONGC, अगर हम लोग देखेंगे एक अच्छा ब्रेकआउट इसके अंदर दे रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे हॉल्ट ऑलरेडी कर चुका है तो ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। 175 के आसपास ये रिटेस्ट कर सकता है लेवल, अपना हाई रिटेस्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे एक
स्पाइक लगाया था, नीचे की तरफ भी स्पाइक लगाया था, रिटेस्ट कर चुका है, तो अपर लेवल पे भी एक रिटेस्ट के लिए जा सकता है। 171 के ऊपर हम लोग प्लान कर सकते हैं, 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है सेल, थोड़ा सा रिस्की डेफिनेटली है, लेकिन 100 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद कोई भी स्टॉक 80 पे चल रहा है, 100 के ऊपर क्लोज होने के बाद डेफिनेटली बहुत सारे लोग बाय करना प्रेफर करते हैं। क्लोजिंग ऑलरेडी दे चुका है, अपसाइड मोमेंटम था, इट्स ए पॉज, तो कल अगर 102 के ऊपर निकलता है एंड फ्लैट खुलना चाहिए 100 के आसपास, अगर खुला देन ओनली इट विल बी वैलिड, अगर उसके नीचे कहीं पे खुलता है हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, फिर 102 अगर क्रॉस करता है 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट रहेगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चला लाइक एंड कमेंट्स, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।